नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। यूपी के शाहजहांपुर में ओसीएफ श्री रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। ओसीएफ की रामलीला खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी रामलीला के मंच पर अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले कई कलाकार मुंबई तक पहुंचते हैं, जिनमें से बॉलीवुड के हास्य कलाकार राजपाल यादव भी हैं। इसी रामलीला के मंच से राजपाल यादव ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। ओसीएफ के महाप्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष पहली बार ड्रोन कैमरे से पूरे मेले की निगरानी की जाएगी। मेला प्रबंध समिति के अध्यक्ष की माने तो शाहजहांपुर ओसीएफ रामलीला मेला पॉलिथीन से मुक्त होगा। शाहजहांपुर में ओसीएफ श्री रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी के मुख्य संरक्षक वी मतिवाड़न ने बताया कि ओसीएफ स्टेट का मेला कोविड-19 महामारी के चलते 2 वर्ष तक नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। श्री रामलीला मेला एवं प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सिविल पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए इस वर्ष पहली बार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही एके वर्मा ने बताया कि मेला देखने आने वाले दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए इस वर्ष मेले में बड़े बड़े झूलों की प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यूपी सरकार ने पॉलिथीन पर बैन लगा रखा है, इसलिए इस बार मेले में लगने वाली दुकानों के मालिक को हिदायत दी गई है कि वह मेले में पॉलिथीन का उपयोग ना करें। उन्होंने बताया कि इस बार ओसीएफ मेला पॉलिथीन मुक्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मेला समापन के 2 दिन बाद कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के बड़े बड़े कवियों को आमंत्रित किया गया है। जीवन 24 के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। सिंगल पॉलीथीन यूज बंद है, वो सबको जानकारी दे दिया है और कोरोना के हिसाब से बोला कि उसके हिसाब से भी वो अपना जो प्रिकॉशन है वो रखेंगे, और सफाई के हिसाब से भी हमने उनको कहा है कि आप डस्टबिन वगैरह रखें, हम भी लगवाएंगे, तो वो सब कर रहे हैं इंतजाम। क्योंकि ये जो सफाई जो है कोरोना ने हमको सिखाया कि बहुत ज़रूरी है, और पॉलीथीन जो है हमारे सरकार ने एक स्टेप लिया है क्योंकि वो उसका कहीं डिस्पोजल नहीं होता है, तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें और सिंगल यूज पॉलीथीन यूज़ को तो बंद ही कर दें, तो उसके लिए सभी को बोला गया है। अभी जो आवंटन किया है हम लोगों ने उसमें भी बताया उनको।